Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you how to create this look. So, अगर आपको इंटरेस्ट है देखने के लिए कैसे इस लुक को क्रिएट करना है, then please keep on watch. So, step by step इसको क्रिएट करके दिखाऊंगी and also you can follow me on my social medias for more update. So, let's start with today's video. तो यहाँ पे स्टार्ट करी हूँ आई शेडो बेस से, जिसके लिए मैं यूज करी हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर और इसमें मेरा शेड है 35 और जो कि बहुत अच्छे से मैच कर रहा है मेरे स्किन के साथ एज यू कैन सी. और इसको मैं आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी एज माय आई शेडो बेस. उसके बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी विथ ए ब्यूटी ब्लेंडर. सो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो अभी आप चेकआउट कर सकते हो अमेजोन पे, ये सारे प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा बिकॉज अमेजोन पे शुरू होने वाला है ग्रेट फ्रीडम सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 6th to 10th of August और प्राइम मेंबर के लिए ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 5th of August. तो यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट. सो ये इसमें आपको दो तीन वेरिएंट मिल जाएगा. सो सबसे पहले मैं लाइट पिंकिश मॉब जो शेड है उसको अप्लाई करूँगी ऑन माय क्रीज एज ट्रांजिशन शेड. सो इसको फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ऑन माय क्रीज. नेक्स्ट मैं जो मॉव शेड है उसको अप्लाई करूंगी और एक ब्रश में लेके. सो ये थोड़ा सा डेंसर ब्रश है और थोड़ा सा स्मॉलर ब्रश है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन. और इसको मैं आउटर वी पे सबसे पहले प्लेस की हूँ एंड धीरे धीरे मैं इसको क्रीज पे लेके जाके प्रीवियस शेड के साथ भी ब्लेंड कर लूँगी. सो ये शेडो भी काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड है एज यू कैन सी और ये पैलेट भी मुझे अच्छा लगा. लास्ट टाइम मैं जब यूज़ की थी उतना नहीं मुझे पसंद आया था बट यू कैन सी राइट, बहुत अच्छा पिगमेंटेड है ये पैलेट. और दोनों शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आपस में. इसके बाद जो शिमरी शेड है काइंड ऑफ थोड़ा सा गोल्ड, सॉफ्ट लाइट गोल्ड बोल सकते हो इसको, उस शेड को मैं अप्लाई करूँ एक फ्लॉट ब्रश के हेल्प से और उसको मैं अप्लाई करूँगी फ्रंट सेक्शन टू सेंटर लीड तक. एंड अगेन मैं जो डार्क मॉव शेड है उसके हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी आउटर वी पे. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का टैटू काजल. सो ये न्यू एक काजल मैं परचेस की हूँ. सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे और थोड़ा सा प्रोडक्ट पहले प्लेस करूँगी उसके बाद एक स्मजिंग ब्रश के हेल्प से इसको स्मज कर लूँगी. ये थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देगा आउटर वी पे. सो ये लैश लाइन के साथ साथ मैं इसको क्लोज क्लोज ब्लेंड भी कर लूँगी. प्रोडक्ट को मैं फिर से अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी. सो पूरा एक साथ नहीं अप्लाई कीजिए बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा. सो देन ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगी. सो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को प्लेस करते हुए ब्लेंड करूँगी. थोड़ा सा शेडोज के साथ काजल को मिक्स कर लेने के लिए मैं माउथ शेड को फिर से अप्लाई करी. इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लाइनर. सो दिस वन इज़ फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट. सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एकदम लैश लाइन के क्लोज क्लोज, थिन सा लाइन अप्लाई की हूँ बट बाद में मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आई लैशेज. इसके बाद मैं सेम काजल को अप्लाई कर रही हूँ ऑन माई लोअर वाटर लाइन एज काजल एंड सेम स्मजिंग ब्रश के हेल्प से इसको स्मज कर लूँगी लोअर लैश लाइन के साथ एंड मॉफ शेड को फिर से अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए. एंड इनर कॉर्नर के साइड पे लोअर लैश लाइन के अप्लाई करी गोल्डन सॉफ्ट लाइट गोल्डन शेड को. इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी विथ मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर एंड मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ करी हूँ मेबलिन कलोजल मस्कारा. सो अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी. ये मस्कारा बहुत अच्छा इफेक्ट देता है एज यू कैन सी. सो बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है. सो इसको आप चेकआउट कर सकते हो. सो हर एक प्रोडक्ट मैं लिंक कर दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई की हूँ. सो दिस वन इज़ फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. सो एकदम ये भी सॉफ्ट गोल्ड शेड है. सो इसको मैं अप्लाई करूँगी सेंटर लीड पे. सो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है इस मेकअप के साथ, इस आई लुक के साथ. इसके बाद मैं लिपस्टिक के साथ लुक को कंप्लीट करूँगी.
सो दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम लैक्मे 925 रेंज और काफ़ी अच्छा जा रहा है इस लुक के साथ एज यू कैन सी। सो गाइज दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। मैंने इसके साथ ये जो लिपस्टिक वेयर की हूँ ये काफी मैच कर रहा है इस अंडरटोन कलर जो आई मीन लगाई हूँ उसके साथ। सो ये काइंड ऑफ मोनोटोन लुक दे रहा है थोड़ा सा। सो येस लेट मी नो कैसा लग रहा है ये ओवरऑल लुक। अमेजोन से मैं कुछ और प्रोडक्ट भी परचेज की हूँ फॉर द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन जो कि आप गिफ्टिंग पर्पस में दे सकते हो किसी को भी। सो मैं वो सारे प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है विच इज फ्रॉम एन कैफिन। सो ये आप देख सकते हो पूरा गिफ्ट बॉक्स के जैसे ही इसका पैकेजिंग है और बहुत बड़ा है ये। सो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको अंदर से। सो इसमें आपको टोटल ये सारे प्रोडक्ट मिल रहा है। एक आपको कॉफी फेस स्क्रब, देन आपको मिल रहा है बॉडी स्क्रब, फेस मास्क एंड फेस वॉश। ये चारों चीजों का ये सेट है एज यू कैन सी। एंड ऑल्सो इसमें आपको एक फेस टॉवल भी मिल जाएगा एंड ऑल्सो ये एक स्पून मिल जाएगा वुडन। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है फॉर गिफ्टिंग पर्पस। मैं भी उसी पर्पस में ही इसको परचेस की हूँ। यस यू कैन गिफ्ट दिस टू योर सिस्टर एंड ऑल्सो आई थिंक ब्रदर के लिए भी आप दे सकते हो इसको। सो दिस इज रियली अ नाइस प्रोडक्ट। आप इसको परचेस कर सकते हो फ्रॉम अमेजोन और साथ में इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि सबसे प्लस पॉइंट है। इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था मुझे। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्ट के लिए। एंड ऑल्सो अगर आपको अफोर्डेबल में कुछ गिफ्ट देना है परफ्यूम बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। परफ्यूम बॉडी मिस्ट किसको अच्छा नहीं लगता अच्छा स्मेल करना। सो यस अगर आपको अफोर्डेबल में कुछ परचेस करना है कुछ गिफ्ट देना है और अपने लिए भी आप परचेस कर सकते हो देन यू कैन परचेस दिस। दिस इज फ्रॉम प्लम। दिस इज द बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट। आई मीन द वेरियंट वेनिला वाइब्स। इसमें काफी मीन्स फोर या फाइव वेरियंट आपको मिल जाता है सेम ये वाले रेंज पे। ये बहुत अच्छा स्मेल है गाइस, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत रिफ्रेशिंग है। ये वेनिला काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। बहुत ज्यादा ओवर नहीं लग रहा है मुझे ये। सो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप गिफ्ट पे भी दे सकते हो और नहीं तो आप अपने लिए भी परचेस कर सकते हो। सो दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैं इसको परचेस की हूँ फ्रॉम अमेजोन। इसके बाद गिफ्ट पर्पस में अगर कुछ लग्जरी प्रोडक्ट देना है आपके सिस्टर या आपके ब्रदर को देन आप ये परफ्यूम परचेस कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम गेस सेडक्टिव इन द वेरिएंट सेडक्टिव। बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत क्लासिक परफ्यूम बोल सकते हो। सो ये परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैं अमेजोन से ही परचेस की हूँ और मैं अभी चेक की हूँ इस पे भी डिस्काउंट है। सो यू कैन गिफ्ट दिस टू योर सिस्टर और ब्रदर। बहुत अच्छा परफ्यूम है एंड ऑल्सो द पैकेजिंग इज सो नाइस। सो इसका आउटर पैकेजिंग मैं तो फेंक चुकी हूँ बट परफ्यूम बहुत अच्छा एक गिफ्ट होता है। इसके बाद और एक परफ्यूम है मेरे पास फ्रॉम सेम ब्रांड गेस। तो ये भी आप परचेस कर सकते हो फ्रॉम अमेजोन और ये भी बहुत अच्छा एक परफ्यूम का ऑप्शन है और आप देख सकते हो पैकेजिंग इज सो क्यूट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन जो कि आप परचेस कर सकते हो। सो यस आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। आई मेकअप भी पसंद आया होगा एंड ऑल्सो जो मैं थोड़ा सा आपको गिफ्टिंग पर्पस के लिए आइडियाज दी हूँ वो भी आपको पसंद आया होगा। सो कोई भी प्रोडक्ट आपको चेकआउट करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।